है मगर तुम कहाँ ले जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बोली तू बुला रही हो, मैं उठा लूंगा ना, शक हो जाएगा तो। बोलिए। हाँ, ये बैग है ना, एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख देना। कौन सी ट्रेन में जाना है, बेंगलोर वाली, मुंबई वाली? मुंबई का ठीक लिया यार, चुप बहुत भारी है, 50 रुपया लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 50 रुपए। 500 रख लो ना, 500। 500 रुपए क्या कर रही हो, 500 अपने कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ संभाल के उठाना, बहुत कीमती सामान है, बाहर निकल गया तो टूट गया तो भारी पड़ेगा। हाँ संभाल के संभाल के, नहीं नहीं ये मेरा हस्बैंड लेंगे, आप जाओ ना बैंगलोर, बैंगलोर जाओ, ले लो चलो। खुली बैंगलोर वाली ट्रेन में बैग रख देगा और हम इस ट्रेन से सीधा मुंबई पहुंच जाएंगे। मुबारक हो, गाड़ी निकल पड़ी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ, कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा उस पाखंडी बाबा की गोटियों की तो। अरे अरे अपने वाला गुली गुली, अरे साहब, अरे बाप रे, ये तो बैंगलोर वाले प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ क्या कर रहा है, मुझे क्या पता आ रहा है क्या। हाँ आ रहा आ रहा। साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, नीचे उतरो, जल्दी देर में उतर नहीं पाएंगे भाई। लेकिन साहब आप अपना कीमती सामान कैसे भूल गए, हमको लगा आपने चोरी किया है। अरे क्या मैम साहब कैसी बात कर रही हैं, मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने 500 रुपया दिया, मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। अरे कोई चेक कीजो, अरे कोई स्पीड बढ़ाओ, अरे तो कोई खींचो, अरे ये आपका सामान, अरे भैया अरे गिफ्ट समझ कर रखो भैया, मैं हराम का नहीं खाता। शक्ल से पूरा हरामी लगता, कहता हराम का नहीं खाता। लाने वाला है तेरे को, इतने टेंशन में भी रोमांस की पड़ी है क्या? अरे मैं रोमांस की नहीं, टनल के अंधेरे में हम इस बैग से छुटकारा पा सकते हैं। यस, टनल आते ही हम दोनों चलती ट्रेन से कूद जाएंगे, हम इस बैग को बात फेंकेंगे। ये भी हो सकता है, अपना काम। हे भगवान, के ये वापस कैसे आ गया? तुमने डेड बॉडी वाला बैग नहीं, तुमने इनका बैग फेंका। क्या बेटे, तुमसे जुदा होने का तो मन नहीं करता लेकिन मजबूरी है। मामा, गॉड, मैंने अपना घर छोड़ते वक्त मम्मी डैडी के बारे में नहीं सोचा लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से अलग होने पर क्या बीतती है। प्लीज इसको इसके किसी रिलेटिव के पास पहुंचा देना, मुझे राज की हेल्प करनी है। मम्मा? नहीं बेटे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। पुलिस स्टेशन, ये बच्चा तुम्हारा है? जी। क्या नाम है? जी प्रिया। मैंने तुम्हारा नहीं इस बच्चे का नाम पूछा है, कोई तो नाम रखा होगा। जी इसका नाम अर्जुन है पर प्यार से मैं इसे सोनू बुलाती हूँ। सर मैं भी अपनी बीवी को प्यार से सोनू कहकर बुलाता हूँ। बुलाओ, अपने बच्चे को बुलाओ।
सोनू, सोनू बेटा, सोनू, सोनू, सोनू। अब नहीं सुनेगा, मेरी बीवी भी मेरा नहीं सुनती। वो क्या है ना, आपने यहाँ बुला लिया, वरना मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी। इसे कभी कभी सुनाई नहीं देता। डोंट वरी, डॉक्टर को बुलाता हूँ, अभी इसका इलाज हो जाएगा। माय गॉड, मेरा विक्की बाबा। ओह माय गॉड, विक्की बाबा। ओह विक्की बाबा, थैंक गॉड। तुम किधर चला गया था? चमत्कार, कमाल हो गया इंस्पेक्टर साहब, इसे तो सुनाई भी देने लगा है। चमत्कार नहीं, डबल चमत्कार। इसे सुनाई भी देने लगा और नाम भी सोनू से विक्की हो गया। ये तुम्हारा नहीं, सोनिया चैंग का बच्चा है। मिस्टर लोबो, आप बच्चे को लेकर जरा बाहर बैठिए। चल बाबा चल। ले आओ उसे। किस तरह की पुलिस है? सुपरस्टार बनने से पहले ही मुझे इस फालतू केस में फंसा रहे हैं। ठीक है चलो सर, मैं ग्लैमर वर्ल्ड में नाम कमाना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड में नहीं। तुम अब ये कौन है? ये तुम्हारी क्राइम पार्टनर है। क्या बात कर रहे हैं सर, जब मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं तो क्राइम पार्टनर कैसा? मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो फिर तुम्हारे पर्स में ये तस्वीर कहां से आई? ये तो मुंबई में बहुत बड़ी मॉडल है सर, बहुत बड़ी। हर लड़के की जेब में इसकी तस्वीर होती है। सर हाँ, इस लड़के के साथ इस लड़की के भी फुटप्रिंट मैच हो रहे हैं। सच सच बताओ, उस रात तुम दोनों हवेली क्यों गए थे? वो एक्चुअली सर, वो राज, छुपाने से कोई फायदा नहीं सर, हम उस रात उस बच्चे को लौटाने गए थे। वो लड़का हमें मुंबई में मिला था सर, 25 लाख के इनाम के लिए हम लोग उसे गोवा पहुंचाने आए थे। अब एक बात बताओ, जब तुम लोग गोवा फ्लाइट से आने वाले थे तो फिर बस से क्यों आए? क्योंकि एयरपोर्ट पे होटल अल्फ्रेडो के मालिक ने बच्चे को पहचान लिया था। तुम्हें कैसे पता था कि वो अल्फ्रेडो का मालिक है? उसने अपने होटल की माचिस पे अपना सिग्नेचर करके दिया था सर, और कहा था कि अगर वो उसकी होटल में दिखाएंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अरे यही तो है, आपको भी दिया था क्या? ये माचिस मर्डर साइट पर मिली थी। हेलो, यस, क्या? ओके, मैडम की बॉडी मिल गई सर। इनके दो साथी डेड बॉडी लेके ट्रेन से मुंबई भाग रहे थे। इनका तो बहुत बड़ा गैंग लगता है सर। सर हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है सर, हमारे कोई साथी भी नहीं है ये। कुछ देर पहले तुम इसे भी नहीं जानते थे। इन दोनों को लॉकअप में डाल दो और उन लोगों को यहाँ लाने का इंतजाम करो। सर मैंने तुम्हें समझाया था ना, मुझे कुछ भी हो जाए तुम चली जाना। अरे पार्टनर, अगर अकाउंट सेटल करना ही था तो मेरे बाहर आने का इंतजार करती, तुम अंदर क्यों चली आई? क्योंकि पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं, लॉस में भी होती है। डिनर कराना चाहते थे ना, लो आज वो मौका आ गया। कैंडल भी है और डिनर भी। हाँ लेकिन यहाँ नहीं सोचा था। जब हम साथ हैं तो जगह की क्या बात, बस आंखें बंद कर लो, जेल भी रोमांटिक लगेगी। आप क्या कह रहे हैं साहब, क्या मेरा चेहरा देख के आपको लगता है मैं किसी का खून कर सकता हूँ? मैं माना के लगता है मगर मैंने खून नहीं किया साहब। फिर इस बैग में लाश कहाँ से आई? ये बैग भी हमारा नहीं है। तो इसे लेके कहाँ जा रहे थे? इसको ठिकाना लगाने? नहीं, इसके असली मालिक का ठिकाना ढूंढने। हाँ। समझे नहीं आप,
इसका जो असली मालिक है ना उसका ठिकाना ढूंढने के लिए हम लोग या है ना? हाँ, वो ही। आइए। तुम इन दोनों को जानते हो? हम इन्हें नहीं जानते। क्या तुम इन्हें जानते हो? सर, इस बार मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर, आज से पहले मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा। अरे मेरा बैग। ये तुम्हारा बैग है? अरे हाँ सर, यही तो प्रिया का बैग है, इसके लिए तो हम लोग बंगले के अंदर वापस गए थे। और इसके अंदर का सामान? क्या बात कर रहे हैं सर, बैग हमारा है तो सामान भी हमारा ही होगा ना सर। ले लो भाई ले लो, मैं ये बैग लिए तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन इससे पहले कि तुम मिलो ये साहब मिल गए। अच्छा साहब मैं अभी चलूँगा। एक मिनट, जरा इनको चेक कर लेने दो, सारा सामान बराबर है या नहीं। करेक्ट करेक्ट सर, चेक करो कुछ अगर चोरी वोरी हो गया हो तो। खोलो खोलो। पलटी मत मारो, तुमने सबके सामने कहा कि ये बैग तुम्हारी है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। अरे ऐसे किसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये बैग हमारी हो सकती है लेकिन इसके अंदर की बॉडी हमारी नहीं है। तो क्या डेड बॉडी हमारी है? देखो हमने खून नहीं किया है तो हमने भी खून नहीं किया है। खून तुमने नहीं किया, खून हमने नहीं किया, खून क्या इंस्पेक्टर ने किया। तुम दोनों बाहर बैठो। जी। मर्डर की रात तुम कहाँ थी? कैसीनो में थी। वहां से कहाँ गई थी? डायरेक्टली होटल, अपने रूम में। मिसेस के, तुम्हारी फुटप्रिंट्स कह रही है कि तुम हवेली गई थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरे पति सारे पैसे जुए में हार गए थे, इसलिए मैडम से मदद मांगने के लिए मैं हवेली गई थी। और उस रात तुम कहाँ थे? मैं तो कैसीनो में था साहब, और पूरी ईमानदारी के साथ पैसे हार रहा था। अगर आपको यकीन है तो होटल एल्फ्रेडो का मालिक है ना, नेटवर्क, उससे पूछ लीजिए, वो सारी रात मेरे साथ था। हाँ वो आधे घंटे के लिए बाहर गया बस, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। वो 25 लाख रुपए लेके आया, उसके आने तक मैं वहां बैठे बैठे इंतजार करता रहा। आप पूछ लीजिए किसी से भी। कितने बजे गया था वो? ये 12:30-1 बजे होगा साहब। सर चौथा फुटप्रिंट। योर ड्रिंक सर। सुनो मिस्टर नटवर लाल कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। स्विमिंग अच्छा कर लेते हो? हॉबी है, दिन में 3-4 बार करता हूँ। अफसोस कि जेल में स्विमिंग पूल नहीं है। क्या क्या जेल में? क्या क्या नहीं? अच्छा ये बताओ, हाँ। जिस रात सोनिया चैंग का मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था। शो 100% टू बी प्रिसाइज। इसे जानते हो? इसको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। लेकिन ये कह रहा था कि उस रात तुम इसके साथ कैसीनो में थे। हाँ, नहीं, नहीं सर, मुझे लगता है इस झूठे को इलेक्ट्रिक शॉक देके सच बुलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं। मेहरबानी करके मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स मत देना, मैं आपको सच बताता हूँ। मैं रात भर इसके साथ कैसीनो में जुआ खेल रहा था। सारी रात? मगर इसका कहना है कि 12:30 और 1 के बीच तुम कहीं बाहर गए थे। उसने कहा है सर? तो मैं गया हूँगा, गया हूँगा। कहाँ गए थे? शरीफ आदमी रात को कहाँ जाएगा? बीवी के पास। किसकी बीवी? मेरी। सेक्स बॉम्ब है, सेक्स बॉम्ब। रात को कहीं भी रहो, आधा घंटा तो उसके साथ बिताना ही पड़ता है। उस रात को मैं वहीं उसके साथ ही था, 12:30 से 1 के बीच में उसी के साथ था। थैंक्स, सारी बातें सच कहकर तुमने पुलिस की मदद की है। थैंक यू। तुम्हारी बीवी भी सच बोले तो अच्छा है। कहाँ है वो? मायके गई है। गुड। बहुत लकी हो भाई, मेरी बीवी तो कभी मायके जाती ही नहीं। नो नट्स नो, उस रात जब तुम मेरे साथ थे ही नहीं तो मैं पुलिस से झूठ कैसे बोल सकती हूँ? देवी देखो, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो इंस्पेक्टर मुझे सोनिया के मर्डर केस में अंदर कर देगा, मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। फिर घूमती रहना जिंदगी भर तुम सफेद साड़ी पहनकर। सॉरी तुम तो सफेद बिकी नहीं पहनोगी, सॉरी। हाँ? प्लीज देवी, तुम मेरे लिए इतना झूठ नहीं बोल सकती, प्लीज। नॉट पॉसिबल। देखो देवी, उस दिन मैंने तुम्हें कैसीनो में डायन कहा, अपने ससुर को गंदी गंदी गालियां दी, प्लीज प्लीज उसका बदला मुझसे मत लो, प्लीज। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी।
एक पत्नी व्रता पति के लिए तुम झूठ नहीं बोल सकते? नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं रूम में किसी और के साथ थी। क्या तुमने उस दिन मेरी बहुत इंसल्ट की, मैं बहुत अपसेट थी। तो तुम अपसेट थी तो किसी और के पास चली गई? अरे मैं तो जब जब जुआ खेलूं तब तब अपसेट हुआ हूं, मैं तो कभी किसी के पास नहीं गया। कौन था वो? मैं नहीं बता सकती उस हैंडसम का नाम। हैंडसम? पूरे गोवा में एक ही हैंडसम है, रॉकी था ना? मैं हाँ नहीं बोलूंगी। रॉकी था, छोड़ूंगा नहीं साला मेरी बीवी से। रुक जाओ, रॉकी ब्लैक बेल्ट है, बहुत मारेगा। नट्स यहाँ भी नहीं है, पता नहीं मार खाकर कहाँ पड़ा होगा। It was brilliant, Nats. तुम कमाल के मर्द हो यार, मरा आ गया। Anytime, Nats. Anything for you. I must tell you, you are simply great. Thank you so much. ये क्या? तुम भी लकी बिना बन गए? अरे गलत मत समझो, we are just friends. Yeah, he's my friend. Good friends, huh? Nuts, darling. मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। अरे तुम्हें क्या लगा मैं कैन के साथ लड़ने गया था? अरे मैं तो रॉकी भैया को समझाने गया था, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकले। ये पुलिस को नहीं बताएगा कि रात को 12:30 से 1 के बीच में ये तुम्हारे साथ था? नहीं बताएगा ना? कभी नहीं। इट्स ग्रेट यार। ये नहीं बताएगा तो क्या, होटल का स्टाफ तो बताएगा? भूल गए उस दिन तुमने होटल में वाइन मंगाई थी और वेटर से बॉटल तुमने ही अंदर ली थी? करेक्ट, लेकिन उस वक्त मैंने इनका गाउन पहना था। तुमने मेरा गाउन पहना था? मेरा? I don't like anybody touching my gown, यार। तुम्हारे गाउन की वजह से वेटर समझा था रूम में मैं नहीं हूँ, तुम हो। याद है ना ग्रेसी, मैंने वेटर से वाइन कैसे लिया था? रॉकी अपसेट हसीनाओं को सेट जरूर करता है, लेकिन लोगों की नजरों में उनको बदनाम नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, कितने महान विचार है तुम्हारे। वाह, अरे यार तुम्हारे साथ तो हर किसी की बीवी सेफ है। मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं उनकी बीवियां भी तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। बीवियों का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट छोड़ जाओ और भूल जाओ। हे भगवान। या, अब मेरे पास एक नहीं दो दो गवाह है। एक तो मेरी एंजल वाइफ और दूसरा इस होटल का वेटर। अपना सबूत पक्का करने के लिए मैंने अभी उससे वाइन मंगवाया है, और ये गाउन देखकर वो समझ जाएगा कि उस रात भी मैंने ही वाइन मंगवाया था। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। आ गया अपना दूसरा गवाह, आ गया। अरे अरे, मेरा गाउन फट जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। छोड़ छोड़। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम। मेरी वाइफ, मेरी लवली वाइफ है ग्रेसी। हेलो। ये तुम्हारी वाइफ है? क्यों, किसी और के साथ देखा था? नहीं, तुम्हारे साथ देखा तो यकीन नहीं आया, इसलिए पूछ लिया। Nice to meet you. Same here. मैम, जिस रात को सोनिया चैंग का मर्डर हुआ उस रात 12:30 से 1 बजे तक आपके पति इसी सूट में आपके साथ थे? सूट में नहीं, मैं गाउन में था, द सेम गाउन। आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पति आपके साथ थे? हाँ, ये मेरे ही साथ थे। यस, सुन लिया इंस्पेक्टर आपने? एक्सक्यूज मी सर। आ गया मेरा दूसरा गवाह। वेटर, हाँ? 2 दिन पहले तुम इसी कमरे में रात को 12:30 बजे आए थे? हाँ, वाइन देने के लिए आया था। उस वक्त इस गाउन में कौन था? आप थे सर। ओह थैंक यू, ये लो, ये तुम्हारा बख्शीश और ये वाइन तुम पीना। थैंक यू, थैंक यू। जाओ, नाउ नाउ आर यू सेटिस्फाइड? मैं जब तक खूनी को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाता हूं तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता। वाह वाह, आप जैसे ईमानदार पुलिस वालों की वजह से ये देश टिका हुआ है। आप हैं तभी तो हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। हमें गर्व है आप पे, बहुत गर्व है आप पे। बेवकूफ, जो कहा वो सब मान लिया उसने। एक और सवाल मिस्टर नटवर। क्या? सामने के गैराज वाले ने कहा कि उसने रात के 1 बजे आपकी पीछे की बालकनी से किसी को उतरते हुए देखा था। बालकनी से उतरा था? बालकनी से उतरा था? मेरी बालकनी से मेरे अलावा और कौन उतरेगा? अच्छा, आइए। क्यों? आइए।